ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशि फल सितंबर सन 2021 को लेकर के। क्या विशेष ग्रह गोचर व्यवस्था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बन रही है इस सितंबर के माह में? क्या क्या लाभ होते हुए दिखाई देगा और कहां आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है? कार्य क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है? व्यवसायिक क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे? कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा? कैसी ग्रह गोचर व्यवस्था आपके लिए धन के लिए बन रही है? आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सी सितंबर की माह की वह तारीखें होंगी, वह तिथियां होंगी जिन तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वह महत्वपूर्ण तारीखें होंगी जिनमें आपको अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं और सर्वप्रथम आपको यह बताते हैं कि कैसी ग्रह गोचर व्यवस्था वृश्चिक राशि के जातकों की इस सितंबर के माह में रहने वाली है। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है। यह राशि फल चंद्र कुंडली के माध्यम से ही तैयार किया गया है, अर्थात इसको आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा 8 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है, कहीं पर भी हो सकता है, तो निश्चित ही आपकी वृश्चिक राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। तो वृश्चिक राशि का स्वामी जो कि मंगल है, वह आपके कर्म स्थान सिंह राशि में बने हुए हैं। सूर्य के साथ युति बना करके स्थित है। सूर्य यहाँ पर स्वराशिस्थ है, कर्म स्थान पर स्थित है। वहीं शुक्र और बुध की स्थिति आपके लिए कन्या राशि लाभ स्थान पर बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र स्थिति में स्थित है, चतुर्थ भाव में। वहीं राहु सप्तम भाव में स्थित रहने वाले हैं, जबकि केतु लग्न में ही स्थित रहेंगे और शनिदेव मकर राशि में स्थित रहने वाले हैं आपके लिए पराक्रम स्थान पर। सर्वप्रथम आपको बता दें कि 5 सितंबर को ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश करेंगे, व्यय भाव में आपके लिए स्थित होंगे, व्यय भाव में चले जाएंगे, स्वराशिस्थ होंगे शुक्र यहाँ पर। 6 सितंबर को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं। सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपके लिए लाभ स्थान पर बनती है। 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में ही राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि में आएंगे, पराक्रम भाव में आपके लिए स्थित हो जाएंगे, तीसरे भाव में शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव अपनी स्वराशि छोड़कर के सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल बुध और सूर्य की स्थिति बनेगी। 22 सितंबर को बुध देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और बुध देव राशि परिवर्तन कर कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश करेंगे, व्यय भाव में स्थित होंगे, शुक्र और बुध का यहाँ पर महालक्ष्मी नामक योग बनेगा। तो यह तो संपूर्ण सितंबर माह की ग्रह गोचर व्यवस्था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब इस ग्रह गोचर व्यवस्था के भी सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर के माह में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा समस्या देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। निश्चित ही आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको समस्या और चिंता हो सकती है। अत्यधिक टेंशन और शारीरिक थकावट आपको रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है। सप्तम भाव में राहु स्थित है, तो निश्चित ही आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। वैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी ग्रह गोचर व्यवस्था आपके लिए सितंबर के माह में बनने जा रही है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कार्य क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के बारे में, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं जो कि 16 सितंबर तक अपने ही स्वराशि में स्थित हैं और दशम स्थान पर स्थित हैं जो कि कर्म का स्थान होता है। मंगल भी जो कि आपके राशि स्वामी हैं वो यहाँ पर स्थित है। देवगुरु बृहस्पति की पूर्णतः वक्र स्थिति में ही सही, लेकिन दृष्टि सूर्य पर पड़ी हुई है, तो निश्चित ही एक अच्छा राजयोग का निर्माण आपके लिए हुआ है। अच्छी स्थिति में
प्रथम दो सप्ताह तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बेहतर आपके रहने वाले हैं। उसमें भी सितंबर का माह प्रथम सप्ताह बहुत ही अच्छा और जोशीला प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा। उत्साह होगा नया कार्य को लेकर के, और नई योजना यदि कोई बनी है तो निश्चित रूप से सफलता की ओर होगी। अच्छी स्थिति कार्य क्षेत्र की ओर से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। जो जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं, सरकार से किसी भी प्रकार से लाभान्वित हैं, उनको और लाभ के आसार हैं। जो जातक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं और सितंबर के माह में उसके परिणाम आने हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। अच्छी स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वह किसी विशेष रूप से किसी ग्रुप में कार्य करते हैं, तो निश्चित ही वहां धोखे के आसार है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कार्य करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के आय की, तो आय के स्वामी बनेंगे आपके लिए बुधदेव, जो कि 22 सितंबर तक उच्च राशिस्थ वहीं पर स्थित रहेंगे। निश्चित ही आय भी आपकी अच्छी रहेगी, आय से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो जातक बैंक, फाइनेंस इत्यादि कंपनियों से जुड़े हुए हैं या इन्हीं सब से कार्य करते हैं, इन रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति कार्य हो माफ करिएगा धन की दृष्टि से आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। विशेष तो स्त्री पक्ष से हैं तो निश्चित ही अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ आपको 22 सितंबर तक देखने को मिलेगा। उसके पश्चात इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक व्यय करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यय न करें इस सितंबर के माह में। यदि आप आवश्यकता से ज्यादा व्यय करते हैं, किसी प्रकार से ऋण देते हैं, कहीं विदेश यात्राओं से संबंधित कहीं अपना पैसा फंसाते हैं, तो निश्चित ही वह पैसा आपका फंस जाएगा, आपके किसी भी कार्य का नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है कि पैसा फंसाना नहीं है। लंबे समय तक यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वह इन्वेस्ट आपको लाभ दे सकता है। शेयर मार्केट इत्यादि से भी जुड़े हैं तो ऐसे जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि के जातक हैं और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो निश्चित ही अच्छा लाभ आप पा सकते हैं। लोभ करने से बचे और अपने विवेक का पूर्णतः इस्तेमाल करें, निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लाभ की दृष्टिकोण से बना हुआ है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। 2 से 2.25 दिन के भीतर ही चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर व पापी ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं, तो निश्चित ही ऐसे चंद्रमा हमें नकारात्मकता देने का कार्य करते हैं। और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिवस हमें, हम सबको, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट इत्यादि देखने को मिलेगी। कौन सी ऐसी तारीखें होंगी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बताएंगे आपको शुभ तिथियां। तो तारीख 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22 और 30 सितंबर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी तिथियां हैं, शुभ तिथियां हैं। वहीं 1, 2, 9, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 और 29 सितंबर को आपको विशेष सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। शेष तिथियां सामान्य होंगी। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर।